गाइस वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप लोग सभी सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज मैं हो रही हूँ रेडी, हम लोग जा रहे हैं मार्केट और मैं जल्दी से रेडी होती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस सो मैं हो चुकी हूँ रेडी और बस बाल बनाने हैं। ये मैंने पहना है टॉप और ये बच्चे रेडी। थोड़ी देर में निकलते हैं हम लोग, सिस्टर आने वाली है, उसके बाद निकलेंगे। मैं कहाँ जा रही हूँ पहले आपको मैं ये बता दूँ। मैं जा रही हूँ एक तो कि चौक, एक नंबर मार्केट बोलते हैं उसको, वहाँ पे काफी अच्छा सामान मिल जाता है शादी का, मतलब बेसिक छोटे से छोटी चीज भी आपको वहाँ इजिली मिल जाएगी। तो मैं लास्ट वीक भी गई थी अपने लिए लहंगा देखने, बट मुझे कुछ पसंद नहीं आया। तो मैंने सोचा कि चल थोड़ा और वेट करती हूँ, शादियों का सीजन आएगा तो मे बी शायद और अच्छा सामान आए। तो मैं इसलिए आज दोबारा देखने जा रही हूँ। अगर मुझे कुछ पसंद नहीं आया आज भी, तो एक नंबर में ही एक शॉप है चावला वेडिंग कलेक्शन, वहाँ पे रेंट पे बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं और मैं उनसे पहले भी मतलब रेंट पे ले चुकी हूँ कपड़े। मैंने अपने ब्रदर इन लॉ की मैरिज में जो लहंगा पहना था वो मैंने वहीं से लिया था। इवन मेरी बहन ने भी मेरी कज़न की शादी में लहंगा वहीं से लिया था। तो वहाँ पे मतलब अफोर्डेबल रेंज में भी आपको लहंगे मिल जाएंगे और अगर आप हाई रेंज में जाओगे तो वो तो फिर आपको और भी अच्छे लहंगे वहाँ काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। तो अगर कुछ पसंद नहीं आएगा तो मैं वहीं से अपना लहंगा फाइनल कर लूँगी। मुझे मेहंदी के लिए भी लेना है और शादी के लिए भी लेना है। दूसरी चीज़ ये कि हम लोगों ने लेनी है जो वो हल्दी और मेहंदी में फ्लावर वाली ज्वेलरी नहीं पहनते हैं वो लेनी। तो ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छे मिल रहे थे और ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, बट तो मैंने सोचा कि एक बार जब मार्केट जा रहे हैं तो वहाँ भी देख लेंगे, वैरायटी भी मिल जाएगी। थोड़ा सा सामने से जो चीज़ होती है वो अलग ही दिख, हम लोगों ने चूड़ा देखना है उसके लिए और दूसरी चीज़ चूड़ियाँ जो कि फंक्शन में पहनने के लिए चाहिए मुझे। वैसे तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं हर साड़ी और लहंगे के साथ अलग अलग कलर की चूड़ियाँ लेती हूँ, मेरा एक बेसिक रहता है रेड कलर की चूड़ी, वेलवेट वाली होती है वो वाली चूड़ी मुझे अपने लिए लेनी है। वैसे मेरे पास वो ऑलरेडी है बट उसका थोड़ा कलर ना फेड हो गया है, तो मैं इसलिए वही चूड़ियाँ लाऊंगी लेकिन नई लाऊंगी। मैं आपको दिखाती हूँ मैं किसकी बात कर रही हूँ। ओके गाइस सो मैं ये वाली चूड़ियों की बात कर रही थी, देख रहे हो इसका थोड़ा कलर निकल चुका है, ये रेड कलर की है। पहनी हुई बहुत सुंदर लगती है, मतलब मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि हर साड़ी के साथ के लिए अलग अलग से कलर की चूड़ियाँ लो। मैं एक सिंपल सी कोई भी साड़ी पहनूंगी बट मैं चूड़ी जो है यही पहनती हूँ। मैं कुछ पिक्स लगाऊंगी आपको जहाँ मैंने ये पहनी हुई है। सो ये ऐसे लगती है। ठीक है।
वे क्या नाम है आपकी शॉप का? बालाजी बैंगल्स। बालाजी बैंगल्स। हेलो गाइस, सो हम जस्ट अभी घर पहुंचे हैं। मैंने अपना लहंगा फाइनल कर लिया है। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा लहंगा फाइनली हो गया। मेरा मेहंदी और शादी दोनों का लहंगा हो गया है। जो मेहंदी का लहंगा है वो है प्रॉपर जो ग्रीन कलर होता है वो वाला, बॉटल ग्रीन कलर। और जो मेरा शादी का लहंगा है वो है क्रीम और बेज कलर का, बहुत ही अच्छा है। उसमें ग्लिटर वाला काम भी हो रखा है। जो जैसा मुझे लहंगा चाहिए था सेम वैसा ही लहंगा मेरा हो गया है। और सबसे बड़ी बात, फुल स्लीव्स है, तो सर्दी के दिन है तो ठंड भी नहीं लगेगी रात को। तो मैं पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी अपने फाइनल सिलेक्टेड लहंगे को। तो लहंगे का काम हो गया है। मैंने साड़ी भी ली है अपने लिए रिटायरमेंट के फंक्शन के लिए, और मेरी बहन ने भी साड़ियाँ ली हैं, बट वो हमको अभी नहीं मिली हैं। वो हमको 2-3 दिन बाद मिलेगी अभी वो, क्योंकि वो पीको करा के ही देते हैं। मेरी बहन ने भी अपने लिए चूड़ा ले लिया है, मैंने भी अपने लिए चूड़ियाँ ले ली है, और हमारी जो मेहंदी और हल्दी की जो फ्लावर वाली ज्वेलरी है वो भी आ गई है। और मेरे पास वो इस टाइम है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए मैं आपको उसकी हल्दी की ज्वेलरी दिखाती हूँ। तो ये है बहुत ही सुंदर सा हार येलो कलर में, और यहाँ पे छोटा सा रोज बना हुआ है येलो कलर का, और ये झादर से निकले हुए हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रीटी लग रहा था हमें, तो हमने एक बार में ही पसंद आ गया। और ये कुछ ऐसे लगेगा। तो ये जो है ये हाथों में बांधने वाले हैं, और ये है टॉप्स क्यूट से, और ये है माथा पट्टी। तो ये इसकी सारी हल्दी की ज्वेलरी है जो वो हल्दी के दिन पहनेगी। चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी मेहंदी की ज्वेलरी। तो ये है हार, तो इसमें बहुत सारे कलर है, येलो है, ग्रीन है, रेड है, रोजेस बने हुए हैं बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर में, अंदर से यहाँ पे येलो का रोज, इसको बहुत अच्छा लग रहा है। और ये झालर देखिए कितनी खूबसूरत है। तो ये इस तरीके से रहेगा। ये है टॉप्स। तो कैसी लगी आपको इसकी फ्लावर ज्वेलरी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये दोनों ही बहुत ही रीजनेबल रेट में मिल गई है, अराउंड 300 और 350 में ये मिल गई है। इतनी वैरायटी थी वहां पे फ्लावर ज्वेलरी की, मतलब पूछो मत, बहुत सुंदर सुंदर थे। तो हमें ये दो पसंद आए तो हम लोग ये लेकर आए हैं। तो गाइज आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड कॉमेंट डाउन बिलो। बाय।